हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का पहला टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सो इस चैप्टर में आपको पूरा थियरी है कई सारे अलग अलग कंसेप्ट जो होते हैं वो आपको यहाँ पर समझने हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस तो पहले एक एक करके समझते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं ठीक so, है सो अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक आइडिया फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंटिंग करने का मेन फाउंडेशन है वो इस वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट ठीक है द थियरी ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल कंसेप्ट तो हमारे जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इन्ही कंसेप्ट के बेस पर क्या हो गए हैं बनाए गए हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट आर फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मस्ट भी फॉलोड बाई ऑल द कंसर्न मतलब सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी टाइप का होने दीजिए वो प्रॉफिट वाला नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होने दीजिए सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं फॉलो करने होते हैं ठीक है ठीके? अब हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्योंकि हमने देखा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो क्या होते हैं हमारे बेस होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने के लिए ठीक है ना अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं समझते हैं सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द वाइडली एक्सेप्टेड आइडियाज एंड रूल्स फॉलोड बाई अकाउंटेंट्स वाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स यानी कि बिज़नेस के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं वो क्या क्या रूल्स क्या क्या आइडियाज राइट फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं ठीक है इसके बाद आपका थर्ड टर्म जिसका नाम है अकाउंटिंग कन्वेंशन अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फेस बाय द अकाउंटेंट्स राइट अब अकाउंटेंट्स को जब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस समय उनको क्या क्या डिफिकल्टी फेस होती है और उस डिफिकल्टी के वक्त जो अकाउंटिंग रूल वो फॉलो करते हैं उन्हें कहा जाता है अकाउंटिंग कन्वेन्शंस ठीक है सो अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर यही अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन डिफरेंट टाइप के पढ़ने वाले हैं right? राइट आपने नाम सुना होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग अलग अलग नाम कहते हैं राइट right? जैसे कि हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट मटेरियलिटी कंसेप्ट मैचिंग प्रिंसिपल ड्यूअल एस्पेक्ट ये सारे जो है वो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेन्शंस होते हैं ठीक है उनमें से कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट कहे जाते हैं कुछ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और कुछ हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशनस हैं तो आइए अभी इन्हें एक एक करके स्टडी करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हमारा कंसेप्ट जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ठीक है अब ये बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है तो बिजनेस के अंदर हमारा जो बिज़नेस है यानी कि ओनर प्रोपराइटर है और हमारा जो बिजनेस है ये दोनों क्या है सपरेट एंटिटी है यानी कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी है ठीक है सो अकाउंट्स के लिए हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग ये सोचकर अकाउंटिंग करते हैं कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग शख्स है ठीक है राइट वो दोनों एक नहीं है सो so, दिस कंसेप्ट अज्यूम्स डैट फॉर अकाउंटिंग पर्पज द बिजनेस एंटरप्राइज यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स ओनर जो उसका मालिक है आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज वो दोनों अलग अलग शख्स हैं ठीक है ना सो so, इसी वजह से द बुक बिजनेस बुक्स रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ बिजनेस मतलब बिजनेस के अंदर खाली बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है और वो भी हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना कि हमारे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहे कि अगर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आप सभी को पता होगा राइट right? तो इस गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल ये दोनों क्या है अलग अलग एंटिटी माने जाएंगे राइट right? बिजनेस के अंदर हम खाली गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है ठीक है ना नेक्स्ट है द मनी गुड्स और एसेट पुट इन टू द बिजनेस एंटिटी बाय द ओनर आर रिकॉर्डेड इन हिज कैपिटल अकाउंट लेकिन हमने क्या कहा कि बिज़नेस के अंदर खाली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करेंगे लेकिन अगर समझिए हमारा ओनर या प्रोपराइटर जो है राइट वो बिज़नेस के अंदर कुछ पैसे लाता है गुड्स लाता है या एसेट लाता है तो उनको हम लोग हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं क्या कहकर कैपिटल और ये कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है ये ओनर ने पैसा दिया हुआ है बिजनेस को इसीलिए वो बिजनेस के लिए क्या किया जाता है लाइबिलिटी करके हम कैपिटल को लिखते हैं राइट right? इसके अलावा अगर समझिए आपका ओनर जो है वो बिजनेस में से कुछ गुड्स या कैश विड्रॉ करता है राइट सो विड्रॉ ऑफ कैश और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस राइट अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो समझिए बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है ठीक है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ड्रॉइंग्स कहते हैं और वो भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड होता है ठीक है ना सो so ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं बिजनेस के अंदर हम ओनली बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन बिजनेस के दो ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड होते हैं वन इज द कैपिटल जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लाता है और वन इज ड्रॉइंग्स जो पैसा बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकालता है ओके okay? अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन्हें एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट से रिकॉर्ड करना पड़ता है और वो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हमारा मनी ठीक है सो मनी इज अ कॉमन यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट फॉर वैल्यू एक्सचेंज्ड इन इच ट्रांजेक्शन राइट तो किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे okay, आप मैंने मशीनरी परचेस किया तो हम लोग लिखते हैं एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लेकिन उसकी एक वैल्यू लिखते हैं हम राइट एटी थाउजेंड का मशीनरी है या वन लाख का मशीनरी है हमने किसी को सैलरी पे किया तो हम जनरल एंट्री कहते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बराबर है account, बड़ा बड़ा, लेकिन उसमें भी हम एक वैल्यू लिखते हैं कि हमने सैलरी फाइव थाउजेंड पे किया टेन थाउजेंड पे किया तो बिजनेस के अंदर जो भी एक्सचेंज होते हैं ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट देना ज़रूरी है और वो यूनिट क्या है हमारा मनी है ओके सो दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी राइट जो हमारा अकाउंटेंट है वो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है एक ही यूनिट को यूज करके जिसका नाम क्या है मनी ओके सो इंडियन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर वो करेंसी हमारा जो है वो रुपीज़ है तो हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो रुपीज में हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं ओके ड्यू टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड राइट तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की वजह से बिजनेस के अंदर हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है मनी इन्वॉल्व है अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा सकता नहीं है राइट जिस तरह आपने बाटर ट्रांजेक्शन सुना होगा सामान के बदले सामान लेना देना राइट तो पुराने ज़माने में जब पैसे नहीं थे तब मनी सामान के बदले सामान क्या किया जाता था लिया जाता था दिया जाता था इसी तरह अभी अगर अगर हमारा कोई एसेट दूसरे किसी बिजनेस वाले के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं राइट है, सामान के बदले सामान चेंज कर रहे हैं तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता नहीं है ठीक है ना नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट अब ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट वर्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें वर्ड आता है पीरियड तो पीरियड का मतलब होता है टाइम ओके सो यहाँ पर ये यह कंसेप्ट क्या कहता है द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी स्टेट्स दैट द बिजनेस शुड रिपोर्ट द फाइनेंशियल पोजिशन रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड कैश फ्लो एट रेगुलर टाइम इंटरवल राइट इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट करना चाहिए यानी कि हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाते हम राइट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जिससे हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं कि बिज़नेस के प्रॉफिट हुए या लॉस हुए कितना कैश आया है या कितना कैश गया है तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी होगी बनानी होगी और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमेशा सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये करना चाहिए तो डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम कि उनका बिज़नेस कितना बड़ा है कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं कितने रुपीज़ के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं इंटरवल डिसाइड कर सकते हैं दिस इंटरवल्स आर यूजुअली मंथली क्वार्टरली और ईयरली अगर आपके साल के बहुत ज़्यादा एकदम करोड़ों में आपका बिज़नेस नहीं है तो आप साल में एक बार भी कर सकते हो अगर आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है करोड़ों में आपके ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप फिर क्या कीजिए क्वार्टरली या मंथली भी क्या कर सकते हैं ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं ठीक है इट इज़ एसेंशियल टू मेजर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन पीरियडिकली ये हमें पीरियडिकली करना क्यों जरूरी है बिकॉज एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब हम ये करते हैं तो हमें बिजनेस में दूसरे राइट डिसीजन लेने के लिए क्या होगा हेल्प होगा ठीक है ना राइट right? क्योंकि अगर हमें पता चलेगा कि हमारा बिज़नेस में प्रॉफिट्स कम हो रहा है या हमारे बिजनेस में लॉस हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं आगे के लिए डिसीजंस ले सकते हैं तो जो भी हमारे बिजनेस के दूसरे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं राइट जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स हो गए राइट हमारे लेंडर्स जिन्होंने हमें पैसा लेंड किया है हमारे बैंक्स राइट फिर हमारे हो सकते हैं गवर्नमेंट जिनको हम टैक्स पे करते हैं तो ये सारे लोग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इन लोगों को टाइम टू टाइम डिसीजन्स लेने हैं राइट तो वो डिसीजन्स लेने के लिए क्या होगा हेल्प होगा अगर हम लोग पीरियडिसिटी यानी बेसिकली पीरियडिकली अकाउंटिंग करते हैं तो उन लोगों को अच्छा रहेगा ठीक है ना सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तो इस कंसेप्ट का पीरियड इसी डी कंसेप्ट का दूसरा नाम क्या है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ओके नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ जाते हैं हम तो नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है हमारा अक्रूवल कंसेप्ट अब अकाउंट में अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं वन इज कैश बेसिस अकाउंटिंग और वन इज अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग तो कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है स्टूडेंट कि जब भी आप कोई एक्सपेंस या इनकम को रिकॉर्ड करते हो तो आप उसे कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड कीजिए यानी कि जब आप कैश पे कर रहे हो आप उसे तब रिकॉर्ड करोगे जब आपको कैश मिला तो ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे वरना आप उसको इनकम बोलकर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो कैश बेसिस किस पर फोकस करता है कैश आ रहा है या कैश जा रहा है तभी ही रिकॉर्ड करना है वरना नहीं और अक्रूवल अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है हमारा वो क्या कहता है कि आप यहाँ पे कैश को मत देखिए आप ये देखिए कि कौन से महीने का वो खर्चा है या कौन से मंथ का वो इनकम है और आप उस पीरियड में उसे क्या कीजिए शो कीजिए अगर वो हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है खर्चा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारे इसमें अगर वो हमारे पीरियड को नहीं बिलोंग करता तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ठीक है सो भले ही हमने खर्चा पे ना भी किया हो हमने एक्सपेंस उसको दिया नहीं है पे नहीं किया अभी तक पैसे लेकिन वो खर्चा इसी महीने को इसी साल को बिलोंग करता है इसी पीरियड को बिलोंग करता है तो हम शो करेंगे राइट जैसा फाइनल अकाउंट्स में करते हो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट आप क्या करते हो प्लस करते हो क्यू प्लस करते हो आपने पे नहीं किया इसे लेकिन वो बिलोंग हमारे इस साल को ही करता है इसीलिए हम उसको क्या करते हैं प्लस करते हैं राइट तो इस कंसेप्ट को हम लोग अक्रूवल कंसेप्ट कहते हैं ठीक है सो अकाउंट्स कैन बी केप्ट आइदर ऑन कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस तो दोनों मेथड से हम अकाउंट अकाउंटिंग कर सकते हैं लेकिन अंडर कैश बेसिस क्या होता है इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड जब हमें पैसा मिलता है तभी हम उस इनकम को रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअली पेड जब हम लोग एक्चुअली उसे पे करते हैं हम उस तभी ही उसे रिकॉर्ड करते हैं ठीक है राइट मतलब अगर समझिए मार्च मंथ का रेंट है और मैंने मार्च में ना पे करते हुए उसको अप्रैल या जून में पे किया तो अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसे अप्रैल या जून में जब पे करूँगा तब रिकॉर्ड करूँगा कि ये मार्च मंथ का रेंट था लेकिन अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है अगर वो मार्च मंथ को बिलोंग करता है तो भले आपने पे नहीं किया अब तक भले आप उसे अप्रैल में पे करने वाले हो बट उसे रिकॉर्ड कब करेंगे आप मार्च में ही उसका मार्च का एक्सपेंस बोलकर उसे रिकॉर्ड करेंगे ठीक है अक्रूवल कंसेप्ट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेज एज एन एज दे आर अर्न एंड इनकर्ड मतलब जब वो खर्चा इनकर हुआ मार्च महीने में आपने रेंट पे वो प्रॉपर्टी यूज़ किया मतलब वो खर्चा आपका मार्च मंथ का है तो आप उसको तभी ही रिकॉर्ड करोगे आपने कोई पर्टिकुलर मंथ के अंदर इनकम अर्न किया है तो आप उसे तभी ही रिकॉर्ड करोगे भले ही वो पैसे अभी तक आपको ना भी मिले हो ठीक है एंड नॉट एज मनी इज़ रिसीव्ड और पेड राइट ना कि जब वो पैसा हमें मिला है या हमने पैसा पे किया है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा वो किस पीरियड को बिलोंग करता है हम उसी पीरियड में क्या करेंगे उस इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे ठीक है ना दिस इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो accrual concept को हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी फॉलो करते हैं और हम जो ये फाइनल अकाउंट्स एनुअल प्रिपेयर करते हैं या हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जो भी इनकम्स हो रहे हैं उन्हें हमें हमारे एक्सपेंसिस के साथ मैच करना जरूरी है ठीक है ना So the profit of the accounting year is ascertained by first determining the revenue earned jo bhi humne income earned during the year and then matching against the revenue the cost. इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू मतलब आपको आपने जो खर्चे किए ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए आप अपने सारे रेवेन्यू साल भर के रेवेन्यू को जो भी आपने खर्चे ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए किए हैं उनके साथ क्या करते हो मैच करते हो और वो मैच करने के बाद आपको पता चलता है आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आई से कि आपको एक साल के अंदर एट right, आपको इनकम जो है प्रॉफिट एंड लॉस बनाया आपने और आपको पता चला कि आपके इनकम साइड में टोटल एटी थाउजेंड है और सामने आपके एक्सपेंसेस जो है वो फिफ्टी थाउजेंड हुए इस इन दोनों को जब आप मैच करते हो तब आपको पता चलता है कि आपके इनकम एटी थाउजेंड और आपके एक्सपेंसेस फोर्टी थाउजेंड है इसका मतलब आपके इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसिस कम है और इस बैलेंस जो आया है आपको उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं प्रॉफिट ठीक है तो ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जब आप इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करते हो तो आपको डिफरेंस प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है करके पता चलेगा ठीक है दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट एंड पीरियडिसिटी कंसेप्ट राइट तो ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है इसमें हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं जैसा मैंने आपको बोला हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा तो हम उसको क्या करते हैं ऐड करते हैं रेंट के अंदर क्योंकि ऐड करते हैं बिकॉज वो इसी पीरियड को क्या करता है बिलोंग करता है तो ये कंसेप्ट के लिए जो बेस है मैचिंग कंसेप्ट के लिए वो आपका अक्रूवल कंसेप्ट ही है ठीक है और कौन से पीरियड को बिलोंग करता है उस पीरियड में हमें रिकॉर्ड करना है उसे तो इसके लिए कहा गया है कि अक्रूवल कंसेप्ट और पीरियडिसिटी कंसेप्ट जो है वो मैचिंग कांसेप्ट के लिए बेस है ओके इट मैचेस द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बराबर है वो क्या करता है हमारा ये मैचिंग कांसेप्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो हमारे इनकम हुए हैं उसे उस पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ मैच करता है और हमें पता चलता है कि और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका शेयरिंग किया जाएगा ओके okay? नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं इसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है देखिए कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोइंग का मतलब होता है चलते रहना तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आने आने वाले सालों में भी क्या होगा चलते ही रहने वाला है ओके सो द बिजनेस कंसर्न कंसेप्ट इज द बेसिक आइडिया दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉलोड बाय ऑल अकाउंटेंट्स वाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते समय सारे जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं वो यही माइंड में अपने दिमाग में रखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक क्या होने वाला है ऑपरेटिव रहने वाला है यानी कि वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे ठीक है सो द अकाउंटेंट्स आर केप्ट ऑन द बेसिस द सॉरी द अकाउंट्स आर केप्ट ऑन द बेसिस दैट द बिजनेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड इट विल नॉट बी क्लोज डाउन और स्टॉप इन द नियर फ्यूचर यानी कि हमारे अकाउंट्स जो भी मेंटेन किए जाते हैं वो यही सोच रख के मेनटेन किए जाते हैं कि हमारे बिजनेस जो है वो आने वाले सालों में चलते ही रहने वाला है और वो स्टॉप होने वाला नहीं है ठीक है द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट गिव्स राइज to the items of fixed asset deferred revenue expense and liabilities देखिए अगर ये going concept नहीं होता तो हम लोग ये सारी चीज़ें record ही नहीं करते right हम लोग क्यों fixed asset को record करके every year depreciate कर रहे हैं उसको because आने वाले सालों में वो asset use होगा राइट डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई लमसम एक्सपेंसेस पे कर दिए कई सालों के लिए और उसको आप अभी धीरे धीरे क्या करेंगे रिटर्न ऑफ करने वाले हो तो अगर आपका बिज़नेस आने वाले सालों में ऑपरेटिव नहीं रहेगा तो फिर ये करने का सेंस ही नहीं है हम हमारे बिजनेस में लाइबिलिटीज रखते हैं क्यों रहते हैं क्यों इसको लाइबिलिटी बोलते हैं क्योंकि इन फ्यूचर हम उसको क्या करेंगे पे करने वाले तो यहाँ पर आपको अब फ्यूचर बिजनेस का होना जरूरी है इसके लिए राइट right? तो गोइंग कंसर्न की वजह से ही ये सारी चीज़ें क्या होती है एग्जिस्ट करती है ओके नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं आप नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स सो बिजनेस के अंदर हमारे जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं इन्हें हम जब रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम इसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करें यानी कि हमने जितने में उसे परचेस किया है हम उस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करेंगे ठीक है एंड एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट राइट दैट इज़ द एक्विजिशन कॉस्ट जितने में हमने उसको एक्वायर किया था हमने उसे परचेस किया था हम उस कॉस्ट पे क्या करेंगे उसे रिकॉर्ड करेंगे ना कि उसके मार्केट प्राइस पर हो सकता है कि किसी किसी एसेट का मार्केट प्राइस आपने जितने में ख़रीदा उससे बढ़ गया होगा या आपने जितने में ख़रीदा उससे कम हो गया होगा लेकिन ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आप उसे इसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे जितने में आपने उसको एक्वायर किया है ठीक है द कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन विल बी द बेस फॉर द फर्दर अकाउंटिंग राइट तो उस एसेट के लिए उस एसेट में से आपको जो भी आगे अकाउंटिंग करना है उसका डिप्रिसिएशन लेना है राइट right? तो वो सबके लिए आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही क्या बनेगा बेस रहेगा इट डज नॉट मीन्स दैट द एसेट विल ऑलवेज भी शोन एट द कॉस्ट बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अगर मैंने किसी एसेट को एक लाख रुपये में खरीदा है तो मैं एवरी ईयर उसको एक लाख पे ही दिखाने वाला हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है हम लोग एक सिस्टमेटिक वे यूज़ करके उसका डेप्रिसिएशन तो करते ही है राइट इट इज़ रेड्यूस्ड रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट परचेस जब हम उसे खरीदते हैं तो हम उसे कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं बट सिस्टमैटिकली एक वे यूज़ करके हम लोग उसको क्या करते हैं रेड्यूस करते हैं हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट right? जिसे हम लोग क्या कहते हैं उस मेथड को डेप्रिसिएशन कहते हैं ठीक है ना सो so, डेप्रिसिएशन ये मेथड यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं हमारे एसेट को डेप्रिसिएट करते हैं यानी उसका वैल्यू यहाँ पर चेंज करते हो ये चलेगा वरना आप उसको क्या रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करोगे द कॉस्ट कन्सेप्ट ऑल्सो मीन्स दैट इफ नथिंग हैज़ बीन पेड और पेड टू एक्वायर एन एसेट देन इट कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कन्सेप्ट ये भी कहता है कि अगर किसी एसेट को आपको एक्वायर करने के लिए यानी कि परचेस करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ा राइट right? तो उस चीज को हम रिकॉर्ड कर सकते है। नहीं है क्योंकि उस समय आपका कॉस्ट क्या है जीरो है राइट सो यहां पे हमारा कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है सो so आने वाले लेक्चर्स में हम आगे का कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स सो so अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज को लाइक करें और इन पर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करना ना भूलें सो स्टूडेंट्स अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं